दोस्तों ट्रेन का एक्सीडेंट होने के बाद क्या लोको पायलट को फिर से एक नई ट्रेन चलाने को दी जाती है? चैनल को सब्सक्राइब करके जानिए। दरअसल ट्रेन का एक्सीडेंट होने पर सबसे पहले उसकी पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जिससे दुर्घटना होने का सही कारण पता चल सके, जैसे कि रेलवे ट्रैक की गड़बड़ी या फिर कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लोको पायलट को असिस्टेंट लोको पायलट की सीट दी जाती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में लोको पायलट की गलती निकलती है तो उसको हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दिया जाता है।